नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। 1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया पर बनी बायोपिक फिल्म 83 की कमाई के मामले में शुरुआत तो औसत ही रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह फिल्म पसंद आ रही है। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी इसकी जमकर तारीफ की है, साथ ही उन्होंने फिल्म के कलाकार रणवीर सिंह समेत बाकियों की भी तारीफ की है। कोहली ने कहा कि भारतीय क्रिकेट इतिहास के इस आइकॉनिक मोमेंट को इतने बेहतर तरीके से दोबारा नहीं जी सकता था। जिस ऐतिहासिक और 1983 वर्ल्ड कप के इमोशनल मोमेंट पर यह फिल्म बनी है, उसे बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। सभी ने शानदार काम किया है। कोहली ने दूसरे ट्वीट में कहा कि फिल्म में रणवीर सिंह का अलग ही लेवल देखने को मिला। सभी ने शानदार काम किया है। विराट कोहली ने इस पोस्ट में 1983 के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव और फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान को भी मेंशन किया। फिल्म 1983 वर्ल्ड कप के ऐतिहासिक लम्हे पर बनी है, जिसमें लीड एक्टर रणवीर सिंह है। रणवीर सिंह ने फिल्म में कपिल देव की भूमिका निभाई है। 83 में रणवीर हूबहू कपिल देव की तरह नजर आए। 83 की रिलीज से पहले इसका ग्रैंड प्रीमियर भी हुआ था। प्रीमियर में फिल्म स्टार के साथ 1983 वर्ल्ड कप खेलने वाले क्रिकेटर्स भी शामिल हुए थे। स्क्रीनिंग पर मस्ती मजाक के साथ कुछ भावुक पल भी देखे गए। फिल्म स्क्रीनिंग पर साकिब सलीम इतने भावुक हुए कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।